हेलो टेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज मंडे है, आज के दिन गोल्ड काफी बड़ा एक गैप डाउन ओपन हुआ है। आप देखेंगे काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो आज के दिन क्या गोल्ड फिर से नया हाई लगा पाएगा या फिर यहां से रिजेक्शन करेगा? क्या सेटअप आज के दिन गोल्ड में बन सकते हैं? किस डायरेक्शन का गोल्ड में आज मोमेंटम आ सकता है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज के दिन गोल्ड में एक प्यारा सा सेटअप बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा टेडर्स। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे टेडर्स, एक घंटे के टाइम फ्रेम में, बनर के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट में किस तरीके से सेटअप बन सकते हैं, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है वो भी हम समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए एक घंटे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट देखो एकदम हैवी बुलिश ट्रेंड में है, हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट कंटिन्यू हायर हाई लगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखो अभी तक मार्केट ने प्रीवियस जो लो था ना वो ब्रेक डाउन नहीं किया है, ये मार्केट का प्रीवियस लो अभी ब्रेक नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा। ये लो था ना अभी ब्रेक नहीं किया है, कैंडल की क्लोजिंग के साथ ब्रेक डाउन चाहिए होता है, वो अभी ब्रेक नहीं किया है। तो अभी मार्केट देखो एकदम बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, राइट? चलो अब यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक लेवल, बहुत प्यारा सा यहां पे एक लेवल है सपोर्ट का, हम इसको सपोर्ट बोलेंगे क्योंकि प्रीवियस टाइम तो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया था, राइट? ये सपोर्ट जोन था, ठीक है? ये सपोर्ट अभी दोस्तों इसी जोन पे सपोर्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है। कौन सा पैटर्न बनाया है मार्क करके आपको दिखाता हूं। देखो यहां से ये फर्स्ट लो एंड ये सेकंड लो, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, राइट? तो ये देखो कितना प्यारा एक डब्ल्यू पैटर्न बना है यहां पे, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न। अब दोस्तों यहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न का होता है निकलाइन एरिया, अब निकलाइन का भी मार्केट ने ब्रेक आउट कर दिया। अब देखो यहां से मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है, यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, इसके बाद देखो यहां से मार्केट फिर से बुलिशनेस शो कर रहा है। दोस्तों ध्यान से अगर आप देखेंगे, थोड़ा चार्ट को मैं जूम कर देता हूं, यहां से थोड़ा जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा सा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, ध्यान से देखो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, ठीक है? एकदम देखो सेलर्स का ताकत देखो आप, सेलर्स यहां से एक्टिव थे लेकिन बायर्स उससे भी ज्यादा एक्टिव थे। देखो पूरी कैंडल को खींच कर ले गए ऊपर की साइड और यहां से फिर से देखो बुलिश कैंडल यहां पे बना रहा है, ठीक है? तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है एक सपोर्ट लेवल पे, ये एक माइनर सा सपोर्ट है, मार्क करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये एक सपोर्ट जोन है इस तरीके। ये सपोर्ट हमने किस हिसाब से मार्क किया, देखो प्रीवियस टाइम, देखो सर प्रीवियस टाइम यहां पे प्राइस ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन देखो मार्केट ब्रेक आउट किया और देखो यहां से रिट्रेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फिर से एक बुलिशनेस शो करे। कंफर्मेशन कैसे लेना यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक ट्रेंड लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करेंगे, हाई को ऐड कर लिया, ये सेकंड हाई, ये थर्ड हाई, इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए हमने एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया सर हमारा ट्रेंड लाइन। यहां से देखो प्यारा सा ट्रेंड लाइन यहां पे, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ सर और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, थोड़ा मैं साइड में कर देता हूं इस सपोर्ट जोन को। अब देखो कितने अच्छे से यहां से आपको समझ में आएगा, ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन आया था ट्रेंड लाइन को, फोर्थ टाइम में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद देखो अब क्या हो रहा है सर, रिट्रेस्ट, रिटेस्ट करने के बाद देखो मार्केट यहां से बुलिशनेस शो करने लगा है, ठीक है? बुलिश हो गया है टोटल। तो यहां पे पहला दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है सपोर्ट लेवल पे, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न, राइट? दूसरा यहां पे हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है सर, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस्ट किया है मार्केट ने, रिट्रेस्ट करने के बाद यहां से बुलिश ने शो कर रहा है। थर्ड कंफर्मेशन अगर हम देखें, यहां पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है सपोर्ट जोन पे, देखो कितना बढ़िया यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया हुआ है ये। अब यहां से प्रोबेबिलिटी के मार्केट यहां से बुलिश ने शो कर रहे। देखो पिछले वीक भी मार्केट गैप डाउन ओपन किया था, गैप डाउन ओपन हुआ था लेकिन इंस्टेंट मार्केट फिर से प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस टाइम जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया था, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये प्रीवियस टाइम का है, प्रीवियस वीक का है, यहां पे जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, ध्यान दीजिए। देखो मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा ट्रेडर्स, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड
ट्रेंड चल रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से अगर गैप डाउन भी ओपन होगा ना तो भी मार्केट यहाँ से प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको प्रीवियस वीक, यहाँ से ये 14 अक्टूबर के आसपास जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, इसके बाद 2-3 कैंडल बेरिश हुई, इसके बाद देखो एक ही कैंडल कितनी बड़ी यहाँ से बुलिश कैंडल बनी। तो देखो यहाँ से मार्केट के ट्रेंड को हायर हाई हायर लो हायर हाई अगेन ना हायर हाई लगाने के बाद हायर लो लगाया, फिर से मार्केट ने एक डिप लगाया और फिर से एक नया हाई लगाया। बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, गैप डाउन ओपन हो रहा है, सो प्रोबेबिलिटी होती है कि फिर से मार्केट एक नया हाई लगाए, जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस टाइम का एग्जांपल दिखाया है, राइट। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। देखो यहाँ से बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है बढ़िया सा। मेन तो ये देखो आप सपोर्ट लेवल पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट ने बनाया है, ठीक है, बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है, इस हाई को ब्रेक किया मार्केट इंस्टेंट ऊपर जाएगा। अब कहां तक ऊपर जा सकता है ट्रेडर्स, तो ये है सर एक रेसिस्टेंस जोन, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। ये पूरा एक जोन है रेसिस्ट, ये ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन किया, तो फिर से मार्केट बुलिश नहीं शो कर रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर, इजीली इस रेसिस्टेंस तक हमें देखने को मिल सकता है। लेवल है 2750 के आसपास, ये वाला जोन है, इजीली आ सकता है। चलो इसके साथ में और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखो फिबो को मार करते हैं, यहाँ से थर्ड कंफर्मेशन लेते हैं फिबो का, ये लो एंड ये वाला हाई दिख रहा है आपको, ये लो से पकड़ेंगे एंड हाई के लिए फिबो को मार करेंगे और देखेंगे कौन से लेवल से मार्केट रिट्रेस कर रही है। हमने क्या किया, ये लो एंड हाई, अभी यही वाला लो है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन किया, लो लगाया, इसके बाद देखो फिर से एक नया हाई लगाया, तो हमने लो से पकड़ा और हाई के लिए फिबो को मार किया, तो देखा ये एक 0.5% एंड 0.618% के लेवल को सपोर्ट लेकर यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ बार बार दिखाता हूँ, जब भी मार्केट इन दोनों लेवल को सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट बुलिशनेस शो करता है सो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, 0.5% के लेवल को रिट्रेस किया है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न का डिक्लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, तो मल्टीपल रीजन है कि मार्केट यहाँ से बुलिशनेस शो करे, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा भी कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। चैनल पर नए हो आप भी ऐसे सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट करिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई देगा, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे एक और प्यारा सा यहाँ से देखिएगा एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न दिख रहा होगा, ये देखो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस्ट हुआ और देखो फिर से मार्केट यहाँ बुलिश नहीं कर रहा है, ठीक है, तो काफी अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, काफी अच्छा सा मार्केट सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेकर बुलिश नहीं शो कर रहा है, सो प्रोबेबिलिटी है कि रेसिस्टेंस के आसपास तो मार्केट को आना चाहिए। तो इस तरह है आज के दिन यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों, ये एक प्यारा सा सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसका लेवल है 2731 एंड 2725 के आसपास, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हमने मार किया है इसका जोन है पूरा सा, ये लेवल दिखा देता हूँ आपको पूरा 2747 एंड 2753 के आस, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के दिन हम गोल्ड में 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एनालाइज किया है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस मार किया है, इस इमेज को मैं भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप भी इस तरीके से इस इमेज को देखकर खुद से एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।